एक नेत्र शक्ति विकासक जो है स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स की चर्चा की थी मैंने कि किस प्रकार से हम आने वाले रोगों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल एक्सपोजर, रेडिएशन का एक्सपोजर थ्रू मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी, ये सब से जो है लगातार बढ़ने ही वाला है और बढ़ता रहेगा। वर्क फ्रॉम होम के कारण स्कूलिंग और क्लासेस घर से हो रही हैं, तो क्यों ना इससे होने वाले रोगों के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम पहले से ही कर लें, ताकि इनका दुष्प्रभाव के कारण हमें कोई नेत्रों के रोग ना हो। तो 7 स्टेप्स में 5 स्टेप्स की कल मैंने चर्चा की थी, फटाफट से मैं उसका रीकैप कर देती हूँ ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा, सुबह उठते ही एलिमिनेटिव ड्रिंक, क्लेंजिंग ड्रिंक, आंवला पानी पीना। और सेकेंड स्टेप था हमारा, मुंह में पानी भरकर त्रिफला पानी से, जो रात को हम सोक करते हैं पानी ओवरनाइट, उस पानी से सुबह कपड़े से छानना है। याद रखिए, ये नॉर्मल छलनी से छानेंगे तो वो उसकी हल्की हल्की किरकिराहट आंखों में लग सकती है। तो ये आंवला त्रिफला पानी, त्रिफला भिगोना है 1 कप पानी में, उसे कपड़े से छानेंगे, महीन कपड़े से, मलमल के कपड़े से, और फिर उससे जो है चाहे आई वॉश कप के द्वारा या खाली अपने हाथों से ही स्प्लैश करेंगे आंखों को, नेत्र प्रक्षालन करेंगे। तीसरा इसका जो हमारा स्टेप था, नेत्र शक्ति विकास सक्रियों का एक्सरसाइजेस, आपके गर्दन की, कंधे की और आंखों की, इन तीनों जगह की एक्सरसाइज करना नितांत आवश्यक है आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, और चश्मे का नंबर भी आपका धीरे धीरे घट जाएगा यदि आप नियमित तौर से इन एक्सरसाइजेस को करेंगे। चौथा स्टेप था, नॉस्ट्रिल में चार चार बूंदे जो है बादाम रोगन की डालना, चाहे रात को सोते समय या दिन में भी कभी भी डाल सकते हैं, और बादाम रोगन की जगह आप शुद्ध देसी घी को गुनगुना करके भी डाल सकते हैं। और त्रिफला, अभी क्वेश्चन आया त्रिफला कितना भिगोना है, तो 1 चम्मच आप लगभग 2 ग्लासेस में, जैसे घर के समझ लीजिए कि 200 to 300 ml ऑफ वाटर में 1 चम्मच भिगो दीजिए, ताकि घर के 3 4 सदस्य जो हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी ले लें और कपड़े से छान कर आप उसका प्रयोग करें, और तुरंत उसको आपको जो है आंखों में फ्रेशनेस और इचिंग, खुजली और जो चिपचिपापन है वो तुरंत दूर हो जाएगा। और कई बार आंखों में जो भारीपन होता है, थकावट रहती है, और नेत्र की ज्योति भी इन सारे जो प्रयोग है इनसे आपकी ज्योति भी बढ़ेगी। जी हाँ, बादाम रोगन और आलमंड ऑयल इज वन एंड द सेम थिंग। और इसके बाद नॉस्ट्रिल्स में आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, जिन लोगों को अगर थोड़ी बहुत, देखिए सरसों का तेल लगता है तो थोड़ी इचिंग होती है, लेकिन वो भी इक्वली गुड है। और इसके बाद जो है पांचवा प्रयोग था, आंखों पर ठंडी पट्टी, कोई भी हैंकी, छोटा टॉवल लेके उसकी 2 3 तह बना के उसको जो है ठंडे पानी में भिगो कर, निचोड़ कर आप आंखों पर लगाएंगे, और लगातार जैसे आप काम कर रहे हैं तो every 2 आवर के बीच में आप 10 मिनट्स का एक ये वेट कंप्रेस के लिए ब्रेक दीजिए, और इससे जो है आपको बहुत कूलिंग मिलेगी। आंखों में कई बार जलन होती है और सूज जाती है आंखें, तो वो इन्फ्लेमेशन, सूजन और जलन और थकावट और भारीपन, ये सब भी दूर होगा। अब आगे चलते हैं, आज के जो 2 स्टेप्स मैंने कहे थे, सूखे आंवले कैसे यूज करें, प्रश्न आ रहा है। सूखे आंवले मैंने बताया था, 5 7 टुकड़े जो है आपको वॉश करके रात को भिगोने 1 कप पानी में, सुबह उसको छान के, द वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज इट इज अ डिटॉक्सिफाइंग, एलिमिनेटिंग और कब्ज इत्यादि दूर करने के लिए भी बहुत कारगर है। और विटामिन सी, आंवला अमृत फल है, उसके गुणों का बखान तो मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए और साथ साथ आपकी नेत्र ज्योति ही नहीं बल्कि आपके बालों को, आपके त्वचा की चमक के लिए बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसको जरूर अपनाएं। अब चलते हैं हम छठे आई न्यूट्रिशन पर। जी हाँ, रिसर्च में ये पाया गया कि बहुत सारी जो आंखों के रोग हैं, जैसे कि कैटरेक्ट,
मैक्युलर डिजनरेटिव डिसीज, तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे भोजन से, कि यदि हम अपना भोजन सही नहीं रखते तो हमें जो है आंखों के रोग जो है ये ज्यादा होते हैं। तो हमें किन किन भोजन में किस चीज का ध्यान रखना है ताकि हमारे आंखों की, नेत्र ज्योति की ना केवल सुरक्षा हो बल्कि नेत्र ज्योति हमारी जो है दिन प्रतिदिन जो है डिटेरियोरेट ना हो के बल्कि वो और अच्छी हो। तो इसके लिए, आंखों के लिए विटामिन ए, विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में हमें जो है डाइट में प्रयोग करना है। अब ये विटामिन ए जो है वो हमें कहाँ से, किन भोज्य पदार्थों से मिलता है? वो हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, हरी पत्तेदार सब्जियां और लाल पीले संतरी कलर के फल सब्जियां, जितनी भी कलरफुल हमें प्रकृति ने जो है इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी सब्जियां दी हैं, फल दी हैं, तो द मोर द कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो विटामिन ए से भरपूर है। हरी सब्जियों में तो आप पालक, मेथी और बथुआ, जितनी तरह की भी पत्तियां हैं आप उनका नियमित प्रयोग करें। स्पेशली कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता हमारे घर की सभी किचन्स में, इंडियन किचन्स में काफी प्रयोग होता है, स्पेशली इन साउथ इंडियन फैमिलीज। तो इसके औषधीय गुण बहुत हैं, ये एंटी डायबिटिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है इसमें, और एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि ये आपकी शुगर की मात्रा को तो कंट्रोल करती है, साथ साथ आपके जो है एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको, या कचरा ही समझ लीजिए सामान्य भाषा में, उनको शरीर से बाहर करती है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है कि जो जीवाणु, वायरसेस, पैथोजेंस हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर भी जाते हैं तो उनको ये जो है मार गिराती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, हमारे भीतर के ऑर्गन्स जो हैं, मल जब बहुत देर तक वहां रहता है तो अंगों को इरिटेशन होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को, उस जलन सूजन को भी ये जो है कड़ी पत्ता दूर करता है। इसमें ना केवल कड़ी पत्ते में बल्कि ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए होता है, और विटामिन ए में कैरोटीनाइड्स होते हैं जो कि हमारे कॉर्निया, जो हमारे आंख का सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में लोगों को, कईयों को दिखता नहीं है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है, और हमारे आंखों पर जो है एक धुंधलापन सा आ जाता है। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी विजन जो है, हमारी जो नेत्र ज्योति है वो कम हो जाती है। अब बात करें जैसे गाजर, क्या कहते हैं, विटामिन, ये तो विटामिन ए के सोर्स थे जिसमें गाजर भी आता है और ये जितने भी बेल पेपर इत्यादि हैं, ये सब तो वेजिटेबल्स आती ही हैं। साथ साथ अब अगर विटामिन सी की बात करें तो आंवला है, नींबू प्रतिदिन प्रयोग करें, टमाटर है, अमरूद है, संतरे हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं और बेल पेपर है, ये हमारे जो कैटरेक्ट की बीमारी है या मैक्युलर, हमारी विजन के लिए आंखों में एक जो है हमारा ऑर्गन है मैक्युला, तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो नर्व सेंसेशन, जो नर्व सिग्नल भेजता है जिससे कि हम देख पाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका जो है वहां पर फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, तो उसकी जो हमारी विजन जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें जो है ये विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में लेना है, विटामिन ए को लेना है। विटामिन ए आपको गाजर में और खुमानी जिसे कहते हैं उससे भी मिलता है, तो आप खुमानी को भी, और साथ साथ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को सोक करेंगे तो उसमें भरपूर आपको जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। कैरी भी जी हाँ बिल्कुल, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं उनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे क्या कहते हैं कैटरेक्ट और डीजेनरेटिव डिसीजेस, इन सबको जो है होने से शुरुआती दौर में ही
उसको जो है धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं, तो रोग पनप नहीं पाते। और साथ साथ आप जो है अपने पानी का इनटेक का ध्यान रखें, और अपने ये तो भोज्य पदार्थ आपको फ्लैक्स सीड से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे, तो ये सब तो आपको भोजन में इनकलकेट करना है। लेकिन कौन से ऐसे भोजन हैं, किन से बचना है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन से बचना है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कड़ी पत्ते का अभी मैंने कच्चा ही बताया कि कड़ी पत्ता आप जरूर लीजिए, और जितनी भी ये सब्जियां हैं अगर आप उसको रॉ फॉर्म में लेंगे तो ज्यादा फायदा है, लेकिन जैसे पालक इत्यादि वगैरह सब्जियों के रूप में भी लेते हैं हम, तो वो भी लीजिए। किसी भी पत्तेदार सब्जी का, जैसे कि अगर आप ग्रीन जूस बनाना चाहें, जैसे हैंडफुल ऑफ पालक है, उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, आपका फर्स्ट क्लास जो है ग्रीन जूस तैयार हो जाएगा। हैंडफुल ऑफ धनिया है, और थोड़ा सा पुदीना, और 10 कड़ी पत्ते, इन तीनों को मिलाकर एक गिलास पानी में, मिक्सी में, ब्लेंडर में डाल के आप फर्स्ट क्लास एक जूस बनाइए। उसको छान कर उसमें नींबू डाल के, काला नमक डाल के आप पी सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रीन वेजिटेबल्स के जूसेस बना के सब्जियों के, और इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो बातें हुई हमने के क्या क्या वेज डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। जी ये सारी वेज डाइट ही बताई है मैंने आपको अभी तक, नॉन वेज तो कंप्लीटली निषेध है। तो इस तरह से आपको अब करना क्या नहीं है, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, अपना जो पाचन तंत्र है, शौच नियमित तौर से, और आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो रेगुलरली, बाउल मूवमेंट आपकी सही रहनी चाहिए, और 3 वाइट जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, और जो मैदा प्रोडक्ट्स हैं इनको नहीं करना, और मसाले स्पाइसेस, ग्रीन जूसेस, देखिए जो भी जूसेस आप पीते हैं दिन में वो थोड़ा खाली पेट होगा तो आपको डायरेक्ट उसका एसिमिलेशन बॉडी में होगा, तो आपको सुबह उठ के शौच इत्यादि से निवृत्त होके आप तब पीजिए, या शाम का 4-5 बजे का टाइम होता है जब तक भोजन पच चुका होता है, और अभी डिनर हमने हमें करने में उसमें समय अभी बाकी रहता है, तो ऐसे समय पे इन जूसेस का प्रयोग करें। जब पेट भरा हुआ है भोजन से तो तब ऐसे जूसेस का लाभ नहीं होगा। तो मिर्च, मसाले, खटाई, फ्राइड आइटम्स, इनको जो है हमें अवॉइड करना है। तो ये तो भोजन की बात हो गई, ये था आई न्यूट्रिशन। अब इसके बाद कुछ आंखों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम बारीकी का कोई काम कर रहे हैं, लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो प्रकाश का ध्यान रखना है कि लाइट सही मात्रा में हो, ना तो बहुत तेज, जैसे आप लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टू मच ब्राइटनेस जो है वो भी आंखों पे बुरा प्रभाव डालती है, तो थोड़ा सा उसको जो है ब्राइटनेस को कम कर दीजिए, और पर्याप्त रोशनी में ही आप आंखों का जब काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो एरिया प्रकाशित होना चाहिए, जिससे आपकी आंखों पर एक्सेस स्ट्रेस ना पड़े। आंखों की सुरक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको नींद का पूरा लेना। जी हाँ, यदि आपकी नींद में कमी है तो आपकी आंखें सुरक्षित नहीं रह सकती, उन्हें पूरा आराम चाहिए। तो अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप, जैसे 6-7 घंटे आप रात को सो सकते हैं और दिन में थोड़ा सा पावर नैप ले सकते हैं, इस तरह से आपकी आंखों की जो है सुरक्षा होगी। आपको जब आराम मिलेगा तो आंखों का भी रिपेरेटिव मैकेनिज्म पूरी तरह से हो पाएगा, एक्सेस स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। पढ़ते समय आप जो है थोड़ा सा 30-35 सेंटीमीटर की या 12 से 14 इंच की दूरी रखनी चाहिए, और लिखते समय भी यही दूरी बनाए। जब चलती हुई कार या बस, रेल में है तो आप लेट कर ना पड़े, और उससे आपके आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, आंखें जल्दी थकती हैं। और जब आपके आंखों में खुजली करने का मन हो तो हाथों से मलना नहीं है, तुरंत आप जो है गीले ठंडे पानी से आंखों को स्प्लैश कीजिए, धो लीजिए। और जब आप तनाव, सिर दर्द की अवस्था में है तो ऐसी अवस्था में आप रीडिंग ना करके कामिंग करें,
पामिंग आपको रोज सिखाई जाती है। हमारे योग एक्सपर्ट जो है सिखाते हैं कि जब भी ये कुछ थकावट का अनुभव हो तो आप तुरंत दोनों हाथों को मल के एक हीट जनरेट आपकी पाम में होती है, तो पामिंग करिए तो तुरंत आपको जो है इससे राहत मिलेगी। और ठंडे पानी से आंखों को धोएंगे तो भी एकदम आपकी आंखों को शांति मिलेगी। और जैसा कि पहले हमने वेट कॉम्प्रेस का बात किया कि ठंडी पट्टी आंखों पे लगाएंगे, उसका लाभ आपको तुरंत जो है आप में आंखों में एक फ्रेशनेस और ताजगी का अनुभव होगा। तो इस तरह से आपको पानी के इनटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे हमारी बॉडी ही है पूरी मोर देन 60-70% वाटर है, तो इसीलिए वाटर इनटेक जो है अपना बनाए रखें। और होल व्हीट यानी कि होल व्हीट प्रोडक्ट्स है, ग्रेन्स है, उन्हें खाएं। चोकर युक्त चावल जो है, आटा है, इस तरह से आप भोजन को ग्रहण करें। तो लेग्यूम्स है, अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक भोजन का समावेश करें, रिफाइंड फूड्स को बाहर करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर करें, एनिमल प्रोडक्ट्स को बाहर करें अपनी भोजन में, तो धीरे धीरे आप पाएंगे। और याद रखिए खूब सारे स्प्राउट्स खाइए, ताकि आपको जो नेचुरल और वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन इत्यादि की उनको शिकायत रहती है, तो नॉन वेज में ही प्रोटीन्स नहीं है, डेयरी में ही कैल्शियम नहीं है, बल्कि आपको प्लांट बेस्ड डाइट में भी बहुत सारा प्रोटीन, कैल्शियम, सभी प्रकार के भरपूर है मिनरल्स, विटामिन्स, तो उन्हें उनका सेवन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हमारे 7 पॉइंट्स खत्म होते हैं। हमारे को ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आपकी सुरक्षा के लिए साथ साथ आई न्यूट्रिशन में जिन बातों का ध्यान रखना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, इसके साथ हम लेते हैं प्रश्न, हाउ टू ट्रीट फ्लोटर्स इन आईज। बिल्कुल वही प्रयोग है जो कि हमारे बाकी जो हमने सारे आंखों के लिए जो आपको प्रयोग बताए हैं। किसी भी डिसीज में सबसे पहला काम है कि अपने शरीर को विकारों से रहित करना है। तो सबसे पहली बात, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने भोजन में डाल रहे हैं जो हमारे भीतर फ्री रेडिकल्स और कचरे का लेवल, टॉक्सिन का लेवल बढ़ा रहे हैं। लपेट में फ्रूट, जी हाँ, लपेट में कुछ भी आप हल्का फल ले सकते हैं और जूस ले सकते हैं और हर्बल टी इत्यादि ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके हेडेक होता है, आंखों में दर्द होता है, तो जैसे मैंने ये सारे उपाय बताए हैं, इनको आप नियमित अपनी दिनचर्या में इंकलकेट करें। और जैसे जैसे आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके भीतर के जो है एलिमिनेशन होगा, जैसे मैंने आंवला पानी इत्यादि आपको बताया है, तो आपको कब्ज इत्यादि नहीं होंगे, विकार नहीं होंगे। और याद रखिए विकार ही रोगों का कारण है। लपेट के बाद पेट और कमर दर्द, जी लपेट बांध के यदि आप जो है एसी और ज्यादा तेज अः में बैठे हैं तो आप, एक मिनट, तो आप उसका ध्यान रखें कि आप बहुत एसी इत्यादि में तो नहीं बैठे, उससे आपको कमर दर्द हो जाएगी। जी अन्य यदि कोई प्रश्न है तो स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पानी निकालने के बाद बचे हुए आंवले का क्या करें? बचे हुए आंवले का चटनी में प्रयोग कर सकते हैं। बालों में जो लोग महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, आपका लोहे की कढ़ाई में उसे डाल सकते हैं, तो इस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब कभी नहीं प्रयोग है तो उसको फिर उसका जो सत है वो तो सारा आपका रात भर में आ गया है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। टीयर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसके लिए आलमंड ऑयल फायदा, जी हाँ बिल्कुल, ये आप आलमंड ऑयल नॉस्ट्रिल्स में डालिए। आपको मैंने बताया था हेडेक भी हो रहा है जिनके, अगर हेडेक माइग्रेन बहुत तेज हो रहा है, तुरंत आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में चार चार बूंदे आलमंड ऑयल डालिए और टेम्पल्स में हल्का हल्का जो है आलमंड ऑयल से मसाज करिए, तुरंत आपका हेडेक दूर होगा। जी क्वेश्चन पूछे। जय जी, है कि सूखे आंवले को भिगो दिया, ओवरनाइट सोक किया, तो मॉर्निंग में क्या बस उसका पानी छान लेना है या उसको एक बार मिक्सी में घुमा लेना है? नहीं, मिक्स इत्यादि में घुमाने की जरूरत है नहीं, उसको सीधा सिंपली आप मसल के छान लीजिए हाथ से ही,
और उसमें आपका जो है पूरा विटामिन सी का आपको लाभ होगा। मैडम, जो किशमिश थोड़ी काली रंग की हो गई है, बाहर रह गई थी, वो यूज करने में भिगो के जैसे खाने में आपने बताया किशमिश खाओ, तो वो खाने में क्या नुकसान करेगी क्या? जी नहीं, आप एक बार भिगो के आप खा के देखिए उसका टेस्ट, अगर सही है तो फिर उसमें कोई, और नहीं तो थोड़ी देर आप उसको धूप लगा दीजिए, अगर आपको थोड़ी रंग काला हो गया, वो बाहर रह गई ना तो उसका रंग काला हो गया, फ्रिज से बाहर रह गई तो आप वॉश करके और उसको भिगो के एक दिन खा के देखिए, यदि टेस्ट बिल्कुल ठीक है तो उसमें, और थोड़ी सी पहले धूप लगा दीजिए। ठीक। खांसी में गले की पट्टी बांध सकते हैं, बिल्कुल बांध सकते हैं, गले के रोगों में, टॉन्सिल्स में और थायराइड पैराथायराइड के बीमारी में जरूर बांधे। हेमोग्लोबिन, फ्लैक्सीड शुड बी आल्सो सोक्ड। जी हाँ, फ्लैक्सीड को आप आधा घंटे भिगो के और पानी डाल के स्मूदी बना सकते हैं, उसमें गुड़ और नींबू डाल के फर्स्ट क्लास ड्रिंक पीजिए। इन वन आई फील लिटिल ब्लर एज इट्स लाइनिंग इज देयर। आपकी आंखों की कोई भी समस्या है, आप ये सारे प्रयोग 7 स्टेप्स बताए हैं मैंने आपको, तो आप इनको करें। मनीषा जी, आप प्रश्न पूछिए। आवर फेवरेट साधक, खैर फेवरेट नहीं बोलूंगी क्योंकि नहीं तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। आप हमारे पुराने साधक हैं और एक तरह से कैंसर सर्वाइवर हैं, एंड यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट, एंड आप प्रेरणा का स्रोत हैं बाकी सबके लिए। जी बताएं मनीषा, अनम्यूट करें। नमस्कार ऑल मेंबर्स ऑफ अध्यात्म साधना केंद्र। मेरा जो नए लोग सुन रहे हैं ना, उनके लिए एक सजेशन भी है जो आपने मुझे लास्ट ईयर दिया था, और एक मुझे आपसे पूछना भी है। मैं पालक, करी पत्ता और पुदीना, धनिया रेगुलरली ये जूसेस लेती हूँ। अगर मेरे पास ये सब चीजें नहीं होती तो कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। रोज वुड की पत्तियां ले ली, पीपल का पत्ता ले लिया, कभी पपीते का पत्ता, कभी गिलोय, कभी तुलसी। तो ये मैडम, इसका आप इफेक्ट मेरे ऊपर देख ही रहे हैं कि 35 कीमोथेरेपी और मेरा हीमोग्लोबिन 12 तक रहता है अब, और डॉक्टर भी मेरे बहुत खुश है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि कभी नहीं रहता था। अब मेरे को एक सजेशन ये लेना है, ग्रीन जब हम ये लीफ जूसेस लेते हैं तो इसके बाद कितना गैप रहना चाहिए? मैं जैसे मैंने मॉर्निंग में लेना होता है और उसके बाद मैं खजूर लेती हूँ, 2-3 खजूर, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप रखना चाहिए हम? एक जूस के बाद आधे घंटे का गैप होना चाहिए कुछ खाने के लिए, आधे घंटे का गैप जरूर रखिए उसके बाद, उसके बाद जो मर्जी खाइए। जी ठीक है। और एक चीज और, अगर किसी वजह से हमने खाना खा लिया तो उसके बाद हमें कितनी देर बाद नहाना चाहिए? नहाने का तो देखिए वही है कि आप भोजन किया है तो 3 घंटे बाद आपकी देखिए पाचन क्रिया चल रही है, उस समय अगर आप नहाने चले गए तो फिर बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, तो पाचन क्रिया आपकी डिस्टर्ब होगी। तो हमेशा जो है आप अगर अपने भोजन प्रॉपर मील किया है तो उसके 3 घंटे बाद ही कोई क्रिया करें। जी थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद का। हाँ, कुछ एक प्रश्न था कि कानों में सुनाई कम देता है, तो देखिए उसमें भी जो है ये पूरा ENT डिपार्टमेंट के लिए, आंखों का, नाक का, कान का, आपको आंवला पानी उसमें भी लाभ करेगा। साथ साथ कर्ण शक्ति विकासक क्रिया, कर्ण शक्ति विकासक क्रिया जो है आपको करनी चाहिए, जो कानों के लिए फायदा करेगी। उसका जो है हम अगले अपना जिस तरह से भ्रामरी करते हैं थोड़ा थोड़ा उससे ही मिलता है, लेकिन मुंह फुलाना होता है। तो नेक्स्ट अभी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कर्ण शक्ति विकासक क्रिया कोई हमारे साथ? नहीं, अभी तो छोड़ दीजिए, कल 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 के लिए रखिए, ऐसे मत करिए। अच्छा ठीक है। हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको जो है मुनक्का, किशमिश, डेट्स, ये 3 चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड, बल्कि चौथी खुमानी बताती हूँ, आप 10-15 किशमिश या तो भिगो दीजिए, 5 से 8-10 मुनक्के भिगो दीजिए, डेट्स है, अब सर्दी नहीं है तो डेट्स को छोड़ दीजिए, वैसे उसको भी भिगो के ले सकते हैं, खुमानी को भी भिगो के जो है 1 या 2 खुमानी रेगुलरली भिगो के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना हीमोग्लोबिन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो जरूर आप प्रयोग करें, साथ साथ आप लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाए तो उससे भी आपका आयरन लेवल बढ़ेगा, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए रखें, क्योंकि कोई भी कितने भी विटामिन मिनरल्स आप खा ले
उस शरीर में जब तक अवशोषित नहीं होंगे तो आपको फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, साथ साथ आपको कब्ज नहीं होने देना। मैं बार बार कहती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जो है सभी रोगों की जननी है, तो पेट को दुरुस्त करें। तो आंवला कैसे बनाएं? आंवला, आंवले के लिए मैंने बताया कि सूखा आंवला बाजार से आपको मिल जाएगा, मार्केट से, परचून की दुकान से। वो 5-7 टुकड़े आपने लेने हैं, रात को पानी में भिगोना है वॉश करके, और सुबह उसको जो है छान कर पी लेना है। इसका नियमित प्रयोग करेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन इत्यादि और साथ साथ आंखों का, स्किन का और बालों के भी रोग जो है आपके दूर होंगे। जी, फ्लैक्स सीड के लिए आपने पूछा था, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल देखिए, एक तो हम तरीका करते हैं कि आप रोस्ट करके उसको रख लेते हैं और आप एक चम्मच अपनी सैलेड में या किसी तरह से भी डाल के खा सकते हैं। दूसरा बड़ा आसान तरीका है कि फ्लैक्स सीड जो है एक से दो चम्मच आप पानी में भिगोएं आधा घंटा, उसको ब्लेंडर में डालिए और फिर उसमें नींबू और गुड़ या कोई स्वीटनर डाल के अच्छा सा ड्रिंक बना लीजिए। तो इस तरह से आंवला एसिडिटी कभी नहीं करेगा। जितने भी ये आपको लगता है कि ये आंवले में खटाई है, लेकिन याद रखिए जितने भी प्राकृतिक खट्टे फल भी होते हैं, नींबू है, आंवला है, वो जब हम उस पाचन हो जाता है इन भोज्य पदार्थों का, तो उसका एल्कलाइन इफेक्ट होता है बॉडी पर। तो उससे घबराकर आपको उसको ये नहीं सोचते कि इससे मुझे एसिडिक हो जाएगा। आप प्रयोग करिए, देखिए आपकी बॉडी आपको बता देगी कि वेदर इट इज गुड फॉर योर बॉडी और उसका एल्कलाइन इफेक्ट होगा, एसिडिक इफेक्ट नहीं होगा। जी सविता मैम, सविता जैन मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। मैम मेरे को मोतियाबिंद है 2-3 साल से, तो मोतियाबिंद में मैं क्या ये सारी चीजें ले सकती हूँ? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल करिए, ताकि आगे फर्दर जो है आपका जो है डिटेरियोरेशन ना हो, आप करिए इनका। मैडम आंखों में क्या दवाई डालूं? मैं वैसे सनेरिया जो होम्योपैथी की है वो डालती हूँ, उससे चला जा रहा है समय, निकलता जा रहा है। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, वो मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन आपको डाइट में क्या करना है, डेली आपको आंवला पानी या कब्ज से बचना है, त्रिफला से आंखें धोनी है, आंखों की एक्सरसाइज, ये सारे स्टेप्स आप करिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। जो आपने सारे स्टेप बताए हैं मैं सारे करती हूँ। जी आंखों के लिए करती हूँ सारे। बिल्कुल करते रहिए उसको। जी हाँ, थैंक यू मैम, वेलकम। आज अब प्रश्न को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि 9:30 से ऊपर हो चुका है, तो इसलिए प्लीज हाँ धन्यवाद, कल फिर प्रश्न कर लीजिएगा, जिनका भी बाकी रहा है कल कर लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय। थैंक यू। एक सजेशन ये है हमारा आप लोगों से, आग्रह यह है कि आप लोग अपना जो भी अगर अच्छा अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपने भाग लिया है उसमें जरूर डालिए, ताकि दूसरे लोग भी उसको सुनकर समझकर पढ़कर लाभ ले सके, वो जरूर डालें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लिंक डाला हुआ है, तो उसमें लिंक पे आप क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। 4 बजे शाम में फिर मिलते हैं, ये आप ध्यान रखें, लोगों को बताएं, लोगों को जोड़ें। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।